खबर महाराजगंज रायबरेली से है, जहां पर सरकार स्वच्छता को लेकर अभियान चला रही है। उसके बावजूद भी महाराजगंज तहसील क्षेत्र के अतरेटा गांव में मुख्य मार्ग पर ही गंदा पानी बहने से जलभराव व कीचड़ की समस्या बनी हुई है। इसमें बच्चों के साथ साथ बुजुर्ग गिरकर चोटिल हो रहे हैं, तो वहीं राहगीरों में भी आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 5 वर्ष तक लगातार ग्रामीणों की शिकायतों के बावजूद भी ग्राम प्रधान व ब्लॉक के अधिकारियों द्वारा इस समस्या का निस्तारण नहीं कराने से ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। ग्रामीणों द्वारा जब समाधान दिवस में शिकायत की गई, तो इसकी शिकायत के बावजूद भी मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने उल्टा शिकायत करने वालों को ही धमका दिया। आपको बता दें, लगातार अतरेटा गांव में मीडिया के द्वारा खबरों को प्रमुखता से दिखाने के बावजूद भी अधिकारियों की नींदें नहीं टूट रही हैं। क्या समस्या है? हमको नाला चाहिए, पानी निकल नहीं रहा है, घर से निकलना दुश्वार है, घर में कितने घुसे रहे हम लोग। सफाई कर्मी आता है? सफाई करने इधर आता है, बगल में आता है, सफाई करके चला जाता है, इस तरफ नहीं आता सफाई करने। इसकी शिकायत प्रधान जी से की है आप? प्रधान आते हैं जाते, देख के चले जाते हैं, हंस के सफाई नहीं करवाते। ब्लॉक में कोई शिकायत? हाँ, एप्लीकेशन दिया है। ब्लॉक के अधिकारियों ने क्या किया? वो कहते हैं तुम ही तो पानी भरते हो, दो लोग। क्या नाम है दादी? कंचन लता। क्या समस्या है? समस्या है, नाला का पानी देखो दिन भर भरा रहता है। क्या किसी को अवगत कराया गया? अवगत एप्लीकेशन भी दिए, प्रधान भी देखते हैं, सबको ही देखता है, कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या बोले प्रधान जी? कुछ बोलते ही नहीं, चले जाते हैं। हम कहते नाला बनवा दो बस। माननीय महोदय जी से, उनसे भी अनुरोध है, जिला अधिकारी जी से, कि नाला बनवा दी जाए। खुद आए, स्वयं आकर देखें कैसी हालत है, आने जाने की दिक्कत है, बच्चों की समस्या, बीमारी हो जाएगी तो क्या हो। ब्लॉक के अधिकारियों को सूचित किया गया? हाँ। कोई एप्लीकेशन दिए? हाँ, एप्लीकेशन दिए। वो आए, आकर उल्टा ही हम ही लोगों को चूतिया बनाकर चले गए, बरबरा के चले गए। ब्लॉक के अधिकारी? हाँ, ब्लॉक के अधिकारी। क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप ही लोग पानी भर रहे हैं, हम लोग पानी भरने की शौक है क्या? दुआरे में निकल दुश्वार है कि घर से बाहर। इस समय मैं महाराजगंज क्षेत्र के ग्राम सभा अट्रैक्टर ग्राम सभा में पहुंचा हूं। यहां पर एक बार और आ चुका हूं, TV1 इंडिया न्यूज के कई ऐसे पत्रकार यहां पर आ चुके हैं, इस नाली के और जल भराव को लेकर, समस्याओं को लेकर कई चैनलों और पेपरों में प्रकाशित किया गया है। अभी तक खबर चलने के बाद भी अभी तक कोई अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचता है कि यहाँ की हालत क्या है। यहाँ के लोग पानी पीने के लिए भी तरस रहे हैं, यहाँ के लिए, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ आने जाने के लिए रास्ता देख लीजिए। कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ की हालत दिखाई जाए, नालियाँ की हालत दिखाई जाए, पानी जल भरा, कम से कम 10 से 20 मीटर की दूरी पर पानी भरा हुआ है, अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुँचा। यहाँ पर हमारे पास गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर कोई अधिकारी ना पहुँचने का क्या कारण है। नाम क्या है आपका? यहाँ पर कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी आया कि नहीं आया? एक बार आया था पहले, बाद में कोई नहीं आया। क्या बोल कर गए हैं? हमें क्या कहते हैं कि तुम लोग खुद पानी भर रखती हो, उसमें कहीं पानी नहीं आता। यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी है, क्या उसका नाम जानती हैं? आता है कि नहीं आता है? वो परसों साफ कर गया, इधर नहीं साफ करी है, साफ नहीं कहते, अभी साफ नहीं होता। क्या नाम है? कंचन। क्या बोले हैं? वो कहते हैं कि प्रधान कहते ही नहीं कि साफ करो ये नाली, यहाँ पर मना कर देते हैं। कौन मना कर देता है? प्रधान जी। क्या नाम प्रधान जी का? प्रधान जी कृष्णावती है, उनके लड़के आते हैं। अच्छा, प्रधान जी कभी नहीं आते हैं? कभी नहीं आते, आते जाते रोज है, निकलते। प्रधान आते हैं, देख कर चले जाते हैं, कोई समस्या नहीं सुनते। हम जिला अधिकारी से यही चाहते हैं कि नाला बन जाए, किसी तरह नाला बनवा दे, समस्या इस तरह बच्चों की बीमारी, और मतलब हर पानी भी नहीं भर सकते हैं, नल पर देख लिया जाए, पानी भी नहीं भरा जा सकता है, हम लोग कहाँ पानी भरने जाएं। मैं अभी आपको और कुछ दिखाना चाहता हूँ, मैं धीरे धीरे करके मैं सरकारी नल तक चलता हूँ और कैमरामैन से कहूँगा कि मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ, आप भी देखिए वहाँ की हालत क्या है। पहले यहाँ पे ताल भी था, हमें साइकिल ये क्यों नहीं कोई बताता? आप, मैं सरकारी नल के पास पहुंच चुका हूं, कैमरामैन से कहूंगा कि सरकारी नल का जो हालत है देखिए। यहां मैं खुद अपने हाथों से हैंडपंप चला के दिखाऊंगा और यहां के
ये हालत है यहाँ के, यहाँ के लोग ऐसे पानी के लिए पीने के लिए मजबूर हैं। क्या जिला अधिकारी महोदय हर एक ग्राम सभा अगर पहुँच कर, हर एक ग्राम सभा, यहाँ के अधिकारी तो भ्रष्ट हो ही चुके हैं। हम कहते हैं कि जिला अधिकारी महोदय हर एक गांव का आप सर्वे करिए, आपको साफ नजर आ जाएगा कि विकास हुआ है कि भ्रष्टाचार हुआ है। महाराजगंज रायबरेली से अरविंद मौर्या की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।